When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी पाखी अनामिका इंडियन मॉम लंदन डायरी में। और आज की डायरी है मतदान से जुड़ी हुई। मतदान सबसे बड़ा दान हमारी डेमोक्रेसी के लिए। ऐसे ही लंदन की, यूके की डेमोक्रेसी में अभी चुनाव चल रहे हैं। तीन चुनाव हैं, तीन मतों का हमें हमारे अमूल्य मत लिए जाएंगे। तो उसमें सबसे बड़ा जो है वो है मेयर ऑफ लंदन का। तो मैं आपको आज दिखाऊंगी कि यहाँ पर मतदान कैसे होता है। मैं आपको दिखाऊंगी, ये जहाँ तक मेरे ऊपर आपको दिख रहा होगा, मैं आपको पोलिंग स्टेशन, ये उल्टा दिखाई देगा। तो बस मैं यहाँ पे अपना मत का दान करने आई हूँ। और मेरे पास एक जो बोलते हैं मतदान देने के लिए जो कार्ड होता है वो है मेरा आइडेंटिटी कार्ड, और उसके थ्रू मैं मतदान करूँगी। तो चलिए मेरे साथ, आपको भी आज रूबरू कराते हैं इस सारे तंत्र से कि यहाँ पर यहाँ का लोकतांत्रिक तंत्र कैसे कार्य करता है। चलिए मेरे साथ। सो ये है सेंट पीटर एंड सेंट पॉल चर्च। यहाँ पर हमें अंदर जाना है जहाँ से लोग आपको आ रहे हैं। अभी घड़ी में बज गए हैं कितना, 4:30-5:15 हुए जा रहे हैं। और ये है हमारा पोलिंग स्टेशन, और यहाँ पर हम आ गए हैं। और वहाँ अंदर जाना अलाउ कितना है कैमरे का कि नहीं वो मुझे नहीं मालूम है, इसलिए मैं आपको ये नहीं बता सकती हूँ कि मैं अंदर रिकॉर्डिंग करूँगी कि नहीं। लेकिन बस मैं यहीं तक रिकॉर्डिंग कर पाऊँगी। तो देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं है, यहाँ पर आज भी बैलेट पेपर पर काम होता है। तो बस इसमें मुझे चुनिंदा अपना जो कैंडिडेट है उसको चुनना है और बैलेट बॉक्स में डाल देना है। अच्छा, बात करते हैं क्या मुझे अधिकार कैसे मिला यहाँ पर वोट डालने का। तो जितने भी प्रवासी अप्रवासी जितने भी लोग हैं और जो दूसरे देशों से आकर बसे हुए, उन सभी को पोल कार्ड इशू किया जाता है क्योंकि वो टैक्स भरते हैं। दूसरा, हमारे देश में क्या होता है कि हमारे देश में किसी को जो भारत के निवासी हैं सिर्फ वही उधर पर वोट डाल सकते हैं। अगर आप भारत के बाहर हैं, भारत के निवासी हैं, तो आपको भारत जाना पड़ेगा तभी आप वोट डालेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है, यहाँ पर आप तीन तरीके से वोट डाल सकते हैं, बाय पोस्ट और ऑनलाइन भी डाल सकते हैं और पोलिंग स्टेशन पर जाकर भी डाल सकते हैं। तो जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, डिसेबल्ड होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी सर्विस है कि आप बाय पोस्ट या ऑनलाइन भी डाल सकते हैं। चुनावी नतीजे आने में 1 से 2 दिन का समय लगता है, और कोई रैली नहीं, कोई दंगे नहीं, कोई हल्ला हो हल्ला नहीं, आराम से चुनाव हो जाते हैं। कोई छुट्टी नहीं, कोई आपको पुलिस प्रशासन अलग से दौड़ता भागता दिखाई नहीं देगा। सारे कैंडिडेट आसानी से अपना कैंपेन करते हैं, 1-to-1 बात करते हैं लोगों से, और इस तरह से यहाँ चुनाव हो जाता है। अब बात करते हैं हमारे देश में। तो हमारे देश में ये है कि हमें आधार कार्ड, अपना आइडेंटिटी कार्ड ले जाने की ज़रूरत है, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। यहाँ पर तो हम लोग सीधे पोल कार्ड इशू हुआ और उसको लेकर गए। अच्छा, हमारे यहाँ पे रैलीज होती हैं, चुनावी सभाएं आयोजित की जाती हैं, 5 साल तक कोई रुख नहीं लेता है, लेकिन चुनाव के समय इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ करी जाती हैं, लोगों को प्रलोभन भी दिया जाता है पैसों से और बाकी चीज़ों से। दूसरी बात, अगर देखें कि चुनाव सिस्टम में क्या है, तो हमारे यहाँ तो अभी EVM हो गया है क्योंकि जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, तरक्की हो गई है। लेकिन वोट डे के दिन छुट्टी होती है, हॉलीडे होता है, यहाँ पर वोट डे के दिन कोई छुट्टी नहीं होती है, लोग धीरे धीरे आके अपना मत डालकर चले जाते हैं। दूसरा, कोई भी मुझे फोर्स या पुलिस देखने को नहीं मिली, जबकि हमारे यहाँ पे पुलिस को छोड़िए, आप बाहर से, मतलब हमारे यहाँ से सेना बुलानी पड़ती है, सीमा सुरक्षा बल के जवान लगे रहते हैं, और बहुत प्रशासन तंत्र होता है, सभी उपस्थित होते हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को मुझे नहीं मिला।
जो कि काफ़ी पॉजिटिव था, और हमें इन इन बातों से सीख लेना चाहिए कि किसी भी पार्टी का कोई मेंबर पोलिंग स्टेशन के आसपास या शहर में कहीं भी दिखाई नहीं दिया, जबकि हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन को बार बार इशू करना पड़ता है कि आप प्रचार सीमा समाप्त होने के बाद प्रचार नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा जो अंतर था मुझे देखने को मिला, और मैंने आप सभी के साथ साझा किया। गाइस, ये है हमारा इंडियन स्टोर जहाँ से हम थोड़ा बहुत सामान खरीदते हैं, इंडियन वाला, एशियन वाला। और इस ब्लॉग का अंत मैं कर रही हूँ इस जगह पे, एशियन स्टोर पे। और आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, और जुड़े रहिए अपने इस चैनल से मेरे साथ, यानी अनामिका के साथ। और ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।